सुनो लो भाई, थारे गांव में आ गया है ताऊ बैरा वकील, ना कोई गवाह ना कोई दलील, अपने मुकदमे सस्ते रेट पे लड़वा लो, फौजदारी के मर्डर केस के, तोड़ फोड़ के मारपीट के, धारा 376 के, जैसे भी मुकदमे हो सस्ते रेट पे लड़वा लो। झगड़े निमटवा लो, सस्ते रेट पे कर दुआ। रहा है भाई जोली, मैं बेच रहा हूँ वकालत, अरब में जान लगा हूँ अदालत। अच्छा, एलएलबी की डिग्री है तेरे पास? भाई जोली, मेरे दौरे एलएलबी की तो डिग्री ना, बाकी सारी बड़ी डिग्री मेरे दौरे है, CCC, STD, PCO, DCM, XYZ। अच्छा ताऊ। हाँ, एक मेरी सुसरी डटक सी ना दिख दे रहा, कान में खुजाई मार जा हर वक्त, लगाई नहीं पड़े मजबूरी में, क्या करे। अबे लल्ला, अब बता, जैसे तू खानदानी जेब कत रहा, तेरे पर कोई मुकदमा चल रहा हो और तुझे बाय चांस कोई वकील बढ़िया ना मिल रहा हो तो मुझे कर ले, दो दिन में फैसला कर दूंगा। तो मेरे पे मुकदमे तो एक दर्जन चल रहे, तू एक काम कर, मेरे मुकदमों का ठेका ले ले, चीज लगेगी। अरे मेरे सिर में कौन सा गुमरा निकल रहा जो उसमें चीज लगेगी, चीज वीस न लगे मेरा कहीं भी। रहता हूँ बहरे, तू भी कैसा वकील है, तुझे कह रहा कुछ और सुने कुछ और। के कहा चोर या मेरे सुसरे, पहले तू इसी बात का फैसला कर ले, तू चोर है या जेब कतरा है। तुझे सुनता तो कुछ है नहीं, तुझे वकील बनने की सलाह किसने दे दी? अब लाला के बताऊं तुझे, तेरा यू सलाह भी मुझे मेरी लुगाई ने दी, ले आज तुझे बताऊं सारी बात। मेरे मामा का लड़का भी वकील है, खाम में खा के मुकदमे घेरता फिरे।
पर नोट बहुत कमाता है। यार मैं फिर कौन सा तेरे मामा के छोरे था पतला मुत्तू, वो नोट कमावे तो मैं भी नोट कमाऊंगा, करते ही मेरी वकालत स्टार्ट। तो लल्ला सुन ले मेरी बात, तेरी ताई के चढ़ाई में आके और मैं बैंगन के पेट पर चढ़ गया और मैंने वकालत का काम स्टार्ट कर दिया। बस ये मेरी वकील बनने का है। आओ, तू तो एकदम फर्जी वकील है, तू मेरे मुकदमे के खारिज करवाओगा तो और उल्टा मुझे टंगवाओगा। अरे लल्ला तुझे गलत फहमी है, मैं चूतिया वकीलों में तो ना हूँ, मैं तो बहुत पहुँचा हुआ वकील हूँ। सलमान खान और अंबानी का मुकदमा मैं ही लड़ रहा हूँ, तू मेरे पास हाथ जुड़वा ले, अपना मुकदमा भी मेरे पर लड़वा ले। ना ताऊ, तू मुझे माफ कर, मुझे ना लड़वाने तेरे पे अपने मुकदमे। रे लल्ला मान जा, फायदे में रहोगा, मैं घने सस्ते में निपटा दूंगा तेरा केस। जबरदस्ती ना करा मेरी गैल, जा अपना हिला देख ले, नहीं तो मैं तेरी भी जेब काट के भाग जाऊंगा। खुद तेरा भला हो जा, जो तन्ने मेरी जेब काटी, तेरा मुकदमा लड़ना तो मुझे घना भारी पड़ जाएगा। एक काम कर, तू यही खड़ा रह, नहीं जा रहा। जमीला तेने ये आलू क्यों पका लिए, कम वक्त मारी, सुबह शाम ये आलू खिला खिला के मेरे को क्या भालू बनाएगी। ओए होए मनोज, केवल फूल पक रहा है, अगर आलू ना पकाती तो तेरी कलेजी पकाती। घर में आलू ही रखे थे इसलिए आलू ही पका लिए। मैं आलू क्यों पकाए, मुर्गा पका लेती। 200 रुपए किलो का मुर्गा मुझे फ्री में दे देता क्या कसाई? कसाई का मेरा बहनों ही लगता है जो फ्री में दे देता मुझे मुर्गा। मैं बावली चौधरी खरीदने की क्या जरूरत थी, पड़ोसों को उठा काट लेती। हराम का माल खाने में तो तोड़ना मजा आता है। तेरे इस लाल ने धापो के साथ कुछ हरकत की होगी। नहीं अबू, मैंने कोई हरकत नहीं करी। अरे जाओ परे को, मेरा साहिल तो बड़ा शरीफ लौंडा है, योगा क्या होगा उस बुढ़हेड को। ना कोई ना कोई तो बात होगी, तभी तो उसने इसको पीटा है। तुम अपनी चोट बंद रखो, मेरे लौंडे की कोई गलती ना है, सारी गलती उस डायन की है। आई अम्मी ने मुझे बहुत पीटा, अजी उसने इसे खमोखा पीटा। तुम जाओ धापो के घर और उससे इसका बदला लेकर आओ। मैं बात सुन जमीला, मेरे बस की बात नहीं औरतों के साथ में लगना पड़ जाना, ठीक है ना? तुझे बदला लेना, तुझे चढ़ाई करनी तो खुद चले जा उसके पास, मैं नहीं जाना। मैं तो जरूर जाऊंगी बदला लेने, तुम यहाँ चूड़ी पहन के बैठे रहो। मैं तुम्हें बता रही हूँ मान से, मैं धप्पों की चूटिया फाड़ के उसका गले में गिर दूंगी। चल साहिल मेरे साथ चल। बाप तो अल्लाह ही मालिक है इस लड़ाई का, पता नहीं मेरी जमीला मुँह छितवा खाएगी या छेद खाएगी, पता नहीं क्या करके मानेगी। ये बच्चे भी पता ना कहां कहां से बुलाने लेके आते हैं। दत्ता वकील, दत्ता पिता वकील, आ गया आ गया आ गया। सस्ता वकील, चलता फिरता वकील, आ गया आ गया आ गया। अरे गली मोहल्ले में ये ताऊ बहरा वकील आ गया, अपना मुकदमा लड़वा लो, अपने राड फिसाद मटवा लो, सस्ते में वकालत करवा लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार भोगी, मैंने जानबूझ कर डर न मारा तेरी घरवाली का, वो तो धोखे से लग गया। तन्ने इतनी सी बात तो मेरी रिपोर्ट भी करवा दी, यू बेटी बात नहीं तेरी। ये तो पुलिस केस है, ये तो चलते चलते मुकदमा मेरा हाथ लग गया, अभी चल का बुझू इस तरह, अभी बढ़ाता हूँ इसका दिन तक। बात सुन ले भाभी, मैं कोर्ट के जैसे डरता ना हूँ, या तो इस बात का फैसला कर ले, इसी में तेरी भलाई है। और अल्लाह घबराइए ना बिल्कुल भी, यू ताऊ बहरा तुझे बिल्कुल जेल में नहीं जान दे, मैं लड़वा तेरा केस। वकील साहब, एक आदमी से जेल भिजवाना सोच रहा, तुम ऐसा कुछ कर सको तो मेरा मामला निपट जा। ना तो वकील साहब, मुझे जेल में जाना पड़ेगा। मुझे तेरा बैल नवाना पड़ेगा, लाड़ू के बीच मैं बैल नवाने वाला ना हूँ। मैं क्यों नवाऊंगा तेरा बैल, मैं तो वकील हूँ, तेरा केस लड़ूंगा। अरे वकील, तू तो बहरा बैठा है, तू क्या वकालत करता होगा? ये क्या हजामत करेगा? अरे मैं नाई थोड़ा ही हूँ जो तेरी हजामत करूँगा, मैं तो वकील हूँ, ताऊ बहरा वकील। मेरा केस
सड़ने की कितनी फीस लेगा था वो? अरे तेरा काम तो मंदे में ही हो जाएगा लाला, तू बस 10,000 रुपए दे दिए। अरे ताऊ कत्ल का केस ना है, जनानी के डले मारने का मामला है, सही सही बता क्या पैसे लेगा। अरे चल तू भी अपना ही बालक है, 5,000 दे दिए। वकील साहब 5,000 तो लौंडे भगाने में लगे, कुछ कम कर लो। बेटे मेरी बूढ़ी का टाइम है, इसलिए मैं तेरा काम 2,000 में कर दूँ। ये तो ये 2,000 रुपए भी ज्यादा लग रहे, मैं तो सिर्फ 200 रुपए दे सकूँ। ले आराम के भी जनानी छेड़ के भी 200 रुपए में केस निपटाना चाह रहा, मेरी सुसरी के लुच्चे लफंगे, तू तो जेल में चला जा। अच्छा तू हमें जेल भेजेगा? तेरे घेंट में खाट का पाया सरका दूंगा। ले आड़ू के भी, जब पैसा खर्च करने की तेरी औकात नहीं थी तो तन्ना पराई जनानी का डरा क्यों मारा, अपनी औकात देख कर मारता। साले फर्जी वकील बात बना रहा हमें। जो तन्ने में ठोक दिया ना, तेरे पे 307 का मुकदमा लगा दूंगा, बहुत पहुंचा हुआ वकील हूँ मैं। पहुंचा हुआ वकील हूँ मैं, ठुकना चलू मैं तो। भाई वाह, ज्यादा चुंडा पाड़ मैच चल रहा, इसका मतलब आज यू फौजदारी का केस मुझे जरूर मिलेगा, आज मेरी बोली जरूर हो गई। अरे अरे ना मूर्ख लुगाइयो, क्यों खम मखा बावड़ी कुत्ते की ढाल भिड़ रही हो, क्यों लड़ाई लड़ाई बंद करो और कुत्ते की सफा करो। मैं इसे माफ नहीं करूंगी, मैं तो इसका पत्ता साफ करूंगी। तू कहीं की धबल है, तेरा टैट में दबा दूंगी, धप्पो नाम है मेरा धप्पो। फिर अब लड़ाई को इसे बंद कर दो, और जमीला तू मेरी बात सुन, चलिए परे को। डार्लिंग अब चले बोलू पे। जमीला तू धप्पो बहुत लफंगी है, तू एक काम कर इस पर फौजदारी का मुकदमा ठोक दे, जब ही आओगी ज्यादा। मुकदमा कैसा ठोक दो ताऊ, मुकदमा तो वकील ठोकेगा। रे बावड़ी भेड़, यू ताऊ बेरा वकील खजा तो तेरे आगे, मैं लड़ूंगा तेरा मुकदमा, सिर्फ 2,000 रुपए में तेरा सारा मामला फिट कर दूंगा। ओ ताऊ बेरे, इस चीचड़ी के गाल के खुजर पुजर कर रहा, यहाँ आके मेरे से बात कर। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये कह रही है भूखनी जी, तेरे ऊपर 307 का मुकदमा ठोकने को कह रही, पर मन्ने साफ ना कर दी, मैं झूठ की गैल नहीं हूँ, मैं तो सच की गैल हूँ। हाँ यू तो तुमने ठीक काम करा था। अरे काम तो मन्ने ठीक कर दिया, पर मेरी सुसरी लंका ही मानना ना, तेरे पे 307 का मुकदमा जरूर ठोकेगी, पर तू घबरावे ना, तू भी इस पे मुकदमा ठोक दे, तेरा मुकदमा तो मैं मंदे में ही लड़ दूंगा। अच्छा कितनी फीस लेगा बता? वैसे तो एक मुकदमे के मैं 5,000 रुपए दूं,
पर इस गांव समाज की शर्म करके तेरा मुकदमा मैं 2000 रुपए में निपटा दूं। तो मुझे ना लड़ना मुकदमा, धप्पू अपना केस अपने आप निपटा ले। अरे तेरे पे ना निपटे झगड़ा, यू जमीला पूरी पक्की गुंडी बदमाश है, छठी हुई रात है यू। बता मुझे क्या कह रही थी? तू कह रही थी ना धप्पू को जेल में भिजवा कर छोड़ दूंगी, मेरी अब भी मान ले मुकदमा। अरे नाथ मुनि के फुप्पा, तू तो पक्का लगा लूट रहा है, तू हम दोनों में दुश्मनी करवाने सोच रहा है। अरे बैरे, तू हमें मुकदमे में उलझा के हमारे से पैसे कमाओगा, देख ली तेरी हमने वकालत। धप्पो बहन, हम दोनों को अपना झगड़ा फिर कभी सुलझाना पड़ेगा, पर अपने झगड़े से इस ताऊ को फायदा नहीं होने देंगे। तू ठीक कह रही है मीना बहन, इस ताऊ का हमें बिलाव बनाना पड़ेगा। अरे अरे नहीं, क्या करने लगे तुम? मेरा भैरा वकील गया तो है वकालत करने, अब देखना ये कतेक रुपए कमा के लावेगा। वकील तो लोगों की अच्छी तरीके से कटाई करे, 10-20 हजार रुपए तो कमा के ले ही आवेगा। अंगूरी बताले मुझे इसकी दीदी होते हैं, अन्य बार बार का मेरा हलवा बना देगी। के बात हो गई, ये दोनों तेरे पीछे क्यों भाग रही? तुमने कुछ उठक कर दिया इनकी गैर? इसका मुंह ना बताने का, मैं बताऊंगी तेरा यू खत्म, हमें मुकदमे फंसाना चाह रहा था। अरे बहन, वकील का तो काम ही हो गया लोगों की मुकदमेबाजी करने का, इसमें इसने कौन सा नया काम कर दिया जो तुम इसे छह दिनों को दौड़ रहे? अब नहीं छोड़ा हम इसे ईमान से, अब तो हम इसमें छेड़छाड़ का केस भी करेंगे और इसे जेल भी पहुंचाओगे। अम्मी तुम इन्हें जेल ले जाओ, मैं चले जाऊंगा उन रुपए, तेरा एक हफ्ते में जी निकाल दूंगी, चुपका खड़ा रहे। अंगूरी तेरे कहते ही मैंने वकालत का काम स्टार्ट करा था, अब तू ही मुझे झूठे केस में फंसने से बचा ले। एक अमीला बहन गुस्सा छोड़ दे और इसे मुक्का बैल समझ के माफ कर दे, माफी नहीं मिलेगी इसे, इसे जेल पहुंचवा कर रहोगी, मैं बनूंगी सब वकील। अमीला बहन, ये बैरा जैसा भी है तो हमारे गाँव का ही है ना, ऐसा करे तो जेल में ना भेज दे, यही फैसला कर लेंगे सब। ठीक है ताई, अगर तू फैसला चाहे तो तुझे हमें 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, मंजूर है हमें, मगर पूरी दे देना दोनों को 1,000-1,000 रुपए और मेरी इज्जत बचा ले। छोड़ जाना, अब कमाई की जगह मेरी पिटाई होगी तो मेरी के खता।